सबसे पहले ये जानते हैं कि निगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा होती क्या है। देखिए, दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं, जितने व्यक्ति हैं, जीवित हों या मृत हों, उसके स्वभाव के हिसाब से हर व्यक्ति से और वस्तु से तरंगे निकलती रहती हैं। व्यक्ति चूंकि जीवित होता है, उसके अंदर चैतन्य जीवन ज्यादा होता है, इसीलिए उसके अंदर से निकलने वाली तरंगे ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। एक साथ जब ढेर सारी तरंगे किसी जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं, तो वो विशेष तरह की ऊर्जा का स्वरूप ले लेती हैं। अच्छे संस्कार वाले या अच्छे लोगों की जो ऊर्जा होती है वो पॉजिटिव होती है, उनके पास पॉजिटिव एनर्जी होती है। और जो खराब संस्कार वाला व्यक्ति है, खराब आदतों वाला व्यक्ति है, उसकी ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा होती है। और जब ये निगेटिव एनर्जी, ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में आती है, तो हमारे और हमारे प्रगति के बीच में आकर सब कुछ रोक डालती है। यानी अगर निगेटिव एनर्जी का असर आपके जीवन पर, आपके घर पर, किसी भी चीज पर हो गया, तो उसमें उन्नति होने की, उसमें तरक्की होने की संभावना नहीं रह जाती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मेरे घर में, मेरे जीवन में निगेटिव एनर्जी है या नहीं है। देखिए, कैसे जाने कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं है? अगर खुली होने के बावजूद मीठी चीजों में चींटियां नहीं लगती, तो इसका मतलब ये है कि घर में इतनी निगेटिव एनर्जी है कि चींटियां भी नहीं लग रही हैं। अगर आप बार बार लगाते हैं लेकिन हर बार आपका तुलसी का पौधा सूख जाता है, तो इसका मतलब भी ये है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। अगर आपके घर में काफी पैसा बीमारियों में और दवाइयों में खर्च होता है, तो इसके पीछे भी अधिकांशतः नकारात्मक ऊर्जा होती है। आप अपने घर की बार बार रिपेयरिंग कराते हैं लेकिन बार बार आपके घर की दीवारों पर सीलन आ जाती है, इसका मतलब ये है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।